रोदा शाद रहे माँ का साया भी पास रहे वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी मन रंग लैके दे विच यार के दुनिया रंग बरंगी डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग मैं फ्रा का हाथ मांगना चाहता हूँ शादी करना चाहता हूँ सबसे उस लड़की के घर जाके मिल लेते उन लोगों से क्या पता अच्छे लोग होते पसंद आ जाते और अगर तेरी हिमायत में मेरे सामने कोई आया ना उसको भी मैंने छोड़ देना सारी जिंदगी के लिए लड़की को नहीं लेके आना मैंने आसिफ आसिफ देखो ना कैसे रिस्पॉन्स कर रहे जैसे जैसे मेरी हर बात समझ आ रही है आसिम तुमसे कह रही हूँ और तुम हो के मेरे पास होके भी मौजूद नहीं हो क्या हुआ है? सिर्फ मेरी मौजूदगी अगर आपके लिए काफी होती तो आप कभी भी इसे लेकर ना आते चेलस बाबा अपनी बेबी से जेलिश हो गए क्योंकि बाबा को तो आदत थी हर वक्त मामा की टेंशन उनको मिलती थी अब तो डिवाइड हो गई है जो बाबा जो है ना इनसिक्योर हो गए प्लीज लैला मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ मुझे फजूल बातें करके डिस्टर्ब ना कर बाबा का जो पता नहीं क्यों मूड ऑफ है कोई बात नहीं हम दोनों तो खेलेंगे हम दोनों तो खेलेंगे इधर आके पी ले तेरे अब्बा के रूम की विंडो सामने ही खुलती है अपने साथ साथ मुझे भी पकड़वाओगे आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं वही जो आप करने आए वही कर रहा हूँ मुझे तो कोई जगह नहीं मिली लेकिन आपको चची से क्या डर आपके रूम में तो सिर्फ वही होती है ना तुम शायद भूल रहे हो कि अब सिर्फ लैला कमरे में नहीं होती है छोटे बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए अच्छा अगर तुम्हें चुपचाप खड़े होकर यहाँ पर सिगरेट पीनी है तो तुम पी सकते हो मेरा बिल्कुल भी ज्यादा बात करने का मूड नहीं है हाँ परेशान तो मैं भी बहुत हूँ चाचू इसीलिए इधर उधर की बातें करके ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था अरे दोस्त तुमने उस उम्र में कौन सी टेंशनें पाल रखी हैं खुश रहकर यही तो टाइम है तुम्हारा एंजॉय करने का मेरा बनता नहीं है शादी जो हो चुकी है मेरी पर मेरी नहीं हुई ना ही हो सकती है चाचू देखती हूँ ना जरा ये लड़का कैसे ही उल्टी सोच अपने दिमाग से नहीं निकालता ऐसा इसका दिमाग ठकाने लगाऊंगी ना याद आ जाएगा इसको हाजरा बेगम जब ख्यालों ही ख्यालों में आधी दुनिया के होश ठकाने लगा दो ना तो ये बत्ती बंद कर देना जरा आपको भी अपने कमरे में आते ही नींद आनी शुरू हो जाती है कोई ढंग की बात ही नहीं इंसान आपसे कर सकता आपको ढंग की बात करनी भी आती है ज्यादा शोक और चंचल बनने की जरूरत नहीं है अच्छा मैं सीरियस हूं मैं तो जब भी कोई आपसे बात सीरियस करने लगती हूँ तो आप उसको संजीदगी से ही नहीं लेते फिर की है आपने बात चाइना की बेंच पीक से हो से काम लो हाजरा वो अपने मुंह से मैं अच्छा लगूंगा अपनी बेटी के रिश्ते की बात करते हुए बेशक भाई है वो मेरा लेकिन कितना हौला लगता है बंदा
माशाल्लाह मेरी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जब वक्त आएगा ना तो आ जाएगा एक से बढ़ के एक रिश्ता इंशाल्लाह। और इतनी भारी नहीं है बेटी हमारे पे कि अपने मुंह से उसका रिश्ता मांगते फिरे। जमाने बदल गए हैं सजाद साहब, हम यूं मुंह पे मुंगियां डाल के बैठे रहे ना तो देख लेना भाई शफीक ने कोई मेम बहू ले आनी अपनी। घर का बच्चा है, अब ऐसी रिश्तेदारियां बनती हैं ना बहन भाइयों में, और क्या तरीका है। वैसे अगर आपका सर बहुत ही ज्यादा ही नीचा हो जाता है ना तो यूं करें कि चाचा जी और चाची जी से गलवा दे हैं? आप दोनों के माँ बाप हैं, शाइना और वलीद के दादा दादी हैं, ठीक है कि नहीं? इस बात पे सोचा जा सकता, लेकिन तुम डंडा लेके मेरे पीछे ना पड़ जाओ ना, मैं मौका देख के बात करूंगा, खास तौर पे अब्बा जी का मूड देख के। बड़ी हार खाई हुई उन्होंने शफीक से, जब से वो वलीद ने वो फोन पे क्या खोल के बैठे होते हैं ना, हाँ जब से वो फेसबुक पे ब्लॉक किए ना बहुत तपे हैं उस पे। मैं करूंगा बात, लेकिन मम्मी तो हौसला करो ना, इतनी कुछ जल्दी नहीं है। आपको क्या पता है जल्दी है कि नहीं है, शाइना मुझ पे भी कोई भारी नहीं है, पर वो जो आपका होनहार लड़का है ना वो मुझे महसूस हो रहा है कि हाथों से निकलता जा रहा है। बस शाइना का अच्छी जगह पे रिश्ता तय कर दूं ना तो मुझे सुकून आ जाए, फिर उसको भी बांधती हूँ किसी खूंटे से। हाजरा बेगम पंजाब नहीं जाऊंगी, इसे भी बड़ी फिल्म हो तुम। से बात की थी मैंने, आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। तुम चाहे किसी और से भी बात कर लो, चाहे वो सजाद भाई हो या फिर अब्बा जी, मैं तब भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते चाचू जो अब मैं करने जा रहा हूं। मेरे दोस्त मैं अंदाजा लगा सकता, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से से तुम गुजर रहे हो, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, उससे मैं भी गुजरा हूं। आई थिंक तुम इतने छोटे तो नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी। मेरी और लैला की शादी इतनी आसानी से नहीं हुई थी, काफी पापड़ बेले थे। मैं मुझे याद है सबसे ज्यादा मुखालफत दादाजी ने की, लेकिन दादी तो आपके साथ थी ना चाचू, चाहे वो दिल से भी लैला चाची को बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आपकी मोहब्बत में मजबूर हूं। आप अम्मी को नहीं जानते चाचू, उनसे कितनी भी मोहब्बत करती हो लेकिन वो अपनी जिद कभी भी नहीं छोड़ती। उनकी जिद के आगे तो बाबा भी हार मान जाते हैं। देख यहां पे हाजरा भाभी, मेरी बारी में अनिला आ पाती है और वो अपनी नंद को इस घर में लाना चाहती थी ताकि उनकी ससुराल में हैसियत मजबूत हो। उन्होंने मुझ पे प्रेशर डालने के लिए अम्मी जी अब्बा जी को किस किस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया था, लेकिन सादान ये घर के मामलात होते हैं। मैं घर का माहौल खराब ना होने की वजह से उनकी बात मान लेता, तो यकीन करो सादान कोई भी खुश ना होता, ना मैं ना लैला और ना ही उनकी ना। पर देख मां बाप का क्या है, उनकी नाराजगी वक्ती होती है। जब उनको लगता है कि हमारा बच्चा खुशबाश है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, उसके बाद उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। देयर ऑल फाइन देयर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं वो कर गुजरूं, अम्मी जितनी भी नाराज हो एक ना एक तो मान ही जाएंगे है ना? देखो मैं तुम्हें लाइफ में गलत गाइड नहीं करना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा और अम्मा मुझे ये कहें, मुझ पे इल्जाम लगाएं कि मैंने ही तुम्हें उकसाया है। लेकिन जो कुछ तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया है, उसके बाद तो सादान बात अब सिर्फ तुम्हारी पसंद या नापसंद की नहीं रही है। उस लड़की को तुम्हारी जरूरत है, और जिसको हम चाहते हैं ना उसको मुश्किल वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते।
बट इन द एंड डिसीजन तो तुमने ही लेना है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर अगर तुम ये बोल्ड स्टेप लेते हो तो अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। शादान कर गए तो फिर सबके साथ नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं आता? दादा अब आधी रात को उठ के वॉक करेगा तो सुबह आँख कैसे खुलेगी उसकी? 100 दफा हाजरा को कहा है कि रात के खाने में इतनी मिर्च मसाले ना डाला करें। अब ऐसा खाना खाएंगे रात को तो कलेजा सड़ेगा और फिर रात काली करेंगे। अब मैं उठी हूँ रात को खिड़की बंद करने के लिए तो बाहर देखती हूँ कि आसिम और सादान भाग रहे हैं। अब यही होगा ना जब इस तरह का खाना खाएंगे तो। लेकिन आसिम ने तो कल रात खाना भी नहीं खाया अम्मी जी। हैं? आसिम ने खाना नहीं खाया? तब भी बेचारा भूख की वजह से सारी रात टहलता रहा है। अब मुट्ठी भर भर के मिर्चें डाली जाएंगी खाने में तो कौन खाएगा खाना? हाँ जी वो ठीक है जी, वो मैं वो आप रात को किसी तकरीब का जिक्र कर रहे थे मेरी। मैं ये कह रही थी हम बच्चे का नाम ना रख लें। अब तो बच्चे का नाम रखना है, टब्बर को बुलाने की क्या जरूरत है? शाम को मिल बैठ के नाम रख लें ना। टब्बर ना सही पर अनीला को बुलाना तो जरूरी है ना, वरना बड़ा सैपा डालेगी वो। दादो एक काम करें, अब इस लिस्ट में ना जोया पप्पो का भी नाम ऐड कर लें क्योंकि उन्होंने भी ना नया नया माइंड करना शुरू कर दिया। सुन ले मेरा ये ख्याल है कि उनके हनीमून से वापस आने का वेट कर लें फिर करें। मेरी जोया को भी ये अनीला वाली बीमारी लग गई है, पता नहीं उनके आने का कब प्रोग्राम है, उस वक्त तक बच्चे का नाम ही ना रखा जाए। मैं भी कुछ बोल दूं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बच्चे का नाम ऑलरेडी रख चुकी हूँ। हाँ मेरा बेटा। लेकिन चाचू इससे तो तूफान आ जाएगा, मार मार के गंजा कर देंगे सारे। तो ठीक है फिर तुम्हें अपने बालों की ज्यादा फिक्र है। भाई सदान तुमने मुझसे मशवरा मांगा था, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, यही कह सकता था। और वैसे भी इस मसले का हल सिर्फ यही है, अगर तुम इस उम्मीद पे कायम हो के तुम सबको मना लोगे तो लगे रहो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस चीज को पूरा होने में कई साल भी लग सकते हैं। और अफरा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है सादान, तुम समझ रहे हो ना, इस वक्त। चाचू बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है वो, उसकी अम्मी को मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो खुद अफरा की जल्दी से शादी करना चाहती है इज्जत से। इस तरह की फैमिली नहीं है कि अकेला बंदा उनके घर जाए और वो अफरा का उससे निकाह पढ़ा। साफ साफ कहा है उसकी अम्मी ने कि अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आओ। मैं रिश्ते में तुम्हारा कुछ लगता हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, अगर मैं तुम्हारा हाथ उनसे मांगने जाऊंगा तो क्या तब भी उन लोगों को एतराज होगा? देख ले लैला, मुझे लगता है बुरा मना जाना उन्होंने। अब इसमें भला कोई बुरा बनाने वाली बात है क्या? मेरा नहीं हक उस बच्चे पे? मुझे तो लगता है अभी तक दिल से किसी ने इस बात को कबूल ही नहीं किया कि अब मैं उस बच्चे की माँ हूँ। ना बहन तेरी गलत फहमी है बल्कि बदगुमानी है, मेरे दोनों बच्चों के नाम ऐसे रखे गए हैं, रबीना के तीनों बच्चों के भी नाम ऐसे रखे गए हैं। पहले पर्चियां पड़ती हैं, सबकी पसंद के नाम रखे जाते हैं, फिर जो पर्ची निकलती है वो नाम रख लेते हैं, सारे ही खुश, मसला ही कोई नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आती इन रस्मों की जो सबको खुश करने के लिए बनाई गई है, और जिसका इस खुशी पे सबसे ज्यादा हक है ना वो सबसे ज्यादा नाखुश हो। भाभी हम कोई कमेटी निकाल रहे हैं कि पर्चियां डालेंगे हैं? देख ले बहन तेरी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। काश मेरी मर्जी होती भाभी। बैठो, तुम्हें भी इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारे सामने ही सारा मामला तय हो जाए। चाय पियोगे? आसिम यार रहने दो ना अब इस बात को, मैंने कहा ना मैंने तो बस जिक्र किया था। हाँ जी दो चाय ले आइएगा।
जब तक कोई ख्याल जहन में ना आए तो उसका जिक्र वैसे नहीं आ जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में जो सोच चल रही है वो वक्त के साथ साथ इतनी जहरीली हो जाए कि तुम खुद भी तंग पड़ो और दूसरों को भी तंग करो। इसीलिए इस मसले का हल आज ही निकाल लेते हैं, इस मामले को खत्म करते हैं। ओके यार आसिम, यार सब लोग क्या सोचेंगे, अब्बा जी, सजाद भाई और खास तौर पे लैला भाभी, और वैसे ही सारा खानदान मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरी हर बात पकड़ी जाती, अब फिर इस बात की भिनक पड़ गई सबको तो लानतें भेज भेज कर मेरा जीना ही हराम कर देंगे। इसलिए मैं ये काम ऑफिस में कर रहा हूँ, घर पे नहीं कर रहा। और हाँ, ये बात फिलहाल मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। मैं भी नहीं चाहता कि इस बात को 10 लोगों के सामने उछालूं। फिक्र मत करो। और हाँ, शायद मुझे एक और चीज में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद? मदद नहीं था, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें आज रात को या कल शाम तक बता दूंगा। पहले सादान का फाइनल डिसीजन सामने आ जाए। सादान अकेले आओगे तो शायद नहीं मानेंगी। जाहिर सी बात है, मुझे इज्जत से बयाना चाहती। चोरों की तरह रुखसत करेंगी तो फिर से लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। अफरा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम समझ रहे हो ना सादान, इस वक्त। क्या बात है, हैं? क्यों रात तुमको जागता रहता है? खाता पीता भी नहीं है कुछ, दो घड़ी अपने बड़ों के पास भी बैठ जाते हैं। अब तो सारे नोट कर रहे हैं तेरी हरकतें। आप भी नोट कर रहे हैं? आपको भी नजर आ रहा है मेरा हाल? माओ तेरी, तेरी रग रग से वाकिफ। बचपन से जब तूने कोई अपनी बात मनमानी होती है तो ये ड्रामे बाजना शुरू कर देते। याद है जब 8वीं में तुमने प्ले स्टेशन लेना था तो कितना रौला डाला था तुम्हें, भूख हड़ताल कर दी थी, पर मैं भी नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था तुमने प्ले स्टेशन के सामने से उठना ही नहीं है, पढ़ना लिखना ही नहीं है, नज़र कमज़ोर कर लेनी है तुमने अपनी, नहीं मानी। दो चार दिन इग्नोर किया तो खुद ही नॉर्मल नहीं हो गया था, याद है? मुझे याद है, लेकिन शायद आप बोल रही हैं नॉर्मल जरूर हो गया था। मैंने आपसे फरमाइश करना भी छोड़ दी थी अभी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करना शुरू किया। कई महीने करता रहा, एक साल के बाद ही सही, लेकिन मैंने खुद अपने बलबूते पे अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। आपको याद है ना? तो नतीजा क्या निकला था? नतीजा याद है तुझे? कितना गंदा रिजल्ट आया था उस साल तेरा। चल जा मेरा बेटा, जा के कुछ खा, सो भी, सेहत खराब हो जाती है इस तरह देर तक जा। सब अपनी मनमानी कर तो रही थी, लेकिन एक साल तक पैसे जोड़ने के बाद वो प्ले स्टेशन खरीद के मैं खुश नहीं था। क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है जब आप मेरी किसी फरमाइश, मेरी किसी मर्जी को रिजेक्ट करके अपनी मनमानी करते हैं? देख सदान, माओं को दिल पे पत्थर रख के बच्चों को कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, टीका भी लगवाना पड़ता है बच्चों के इलाज के लिए। तू जो बातें कर रहा मेरी समझ में आ रही, मेरी तरफ से ना ही है। पूरी तरह से
कोशिश की है किसी तरह आपको कायल कर सकूं। नीका, मैं सिर्फ तुम्हारे चाचा नहीं, तुम्हारे वालिद भी आएंगे। मेरी जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, शायद मुझे कभी ना मिले। ना ये कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो रातों रात दुगनी हो गई हैं? वही घर है, वही मैं हूं, वही बच्चे। हाँ हो गई हैं, अचानक से सब कुछ दुगना हो गया है, डबल। लो जी, मैंने और जैतून बानो ने एक फैसला किया है। नाम यहाँ जी, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? जो भी कोई फैसला हुआ है ना आज तक इस घर में, वो आपने अकेले किया है। चलो ठीक है, लो भाई, मैंने फिर बगलम खुद कलम कर ले, फैसला किया है कि हम सब मिलकर मशवरे के साथ बच्चे का नाम रखेंगे। ठीक है, अनीला को बुलाया तो जोया नाराज होगी कि उसका इंतजार नहीं किया। जोया का इंतजार किया तो अगले महीने तक बच्चा बेनाम रह जाएगा। मेरा ख्याल है अब्बा जी कि सादगी से कल ही कर लें। वो एक फरीजा है, जल्दी अदा हो जाए तो अच्छा है। और वैसे भी क्या जरूरत है अब्बा जी सारे खानदान को इकट्ठा करके देगे बनवा के शोर शराबे करके अकीका करने की? यार जैद, बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन अब इस घर में जितने भी बच्चों के अकीके हुए हैं उसमें फूफियाँ दादके नानके सब आए हैं। अब अगर इस बार इस बच्चे का अकीका सादगी से करेंगे तो फिर लोग सवाल तो करेंगे ना, और लैला तुम्हारे घर वाले और बहन भाई भी तो इतराज़ करेंगे ना। नहीं जी, मेरे घर वाले पढ़े लिखे समझदार इनलाइटेड लोग हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। आप फिक्र ना करें। ले कर ले तू तरफदारी, कह रही है कि इसके घर वाले जो है ना वो क्या कहा इसने? क्या है? एजुकेटेड, समझदार, हम जैसे नहीं है। नहीं अब्बा जी, मैं तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए बात कह रही थी, आप तो मेरी हर बात का पता नहीं क्यों गलत मतलब निकाल लेते हैं। बात शुरू कहाँ से होती है, पहुँच कहीं और ही जाती है। कसम से। वैसे चाचा ये आपने ना बिल्कुल ठीक कहा, हमें आपस में ना सलाह मशवरा करके ही नाम रखना चाहिए। जाहिद जा, मेरा भाई जाकर रबीना को तो बुला के ला। भाभी उसकी तबीयत खराब है वैसे ही, और उसने पहले कभी नाम तजवीज किया है जो अब करेगी? अच्छा तो मेरे जहन में एक नाम है, मैं चाहती हूँ मेरे पोते का नाम हो फखरदीन। फखरुद्दीन? हाँ क्यों? अल्लाह का नाम ले अम्मी जी। जैसे तुम मानो, ये अब मैं बच्चे का जब भी नाम लूंगा तो मुझे अलाउद्दीन याद आ जाएगा। बाल भाई बाल, फखर तो ठीक है, ये दीन मत लगाना भी। मैं अलाउद्दीन के नाम की कोई चीज भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात वैसे मैं तो कहती हूँ फजान रख देते हैं चाचा जी, सादान से कितना मिलता जुलता है। आजकल ना लोग सगे भाइयों का नाम काफिया मिला के नहीं रखते। ले भाई, सिकंदर कैसा नाम है, बड़ा रोम वाला नाम। ओ अब्बा जी, सिकंदर एक गैर मुसलमान हुक्मरान का नाम था, पता नहीं यहूदी था या मुशरिक, लेकिन था तो काफिर ही ना। ओ मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कोई इस्लामी नाम रखे तो अच्छा होगा। अच्छा जी, मैंने भी एक नाम सोचा हुआ है और मुझे लगता है अब ये नाम सबको पसंद आ जाने। मैं बताऊं? हाँ बताएं, लेकिन इस्लामी होना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो ऋतिक रोशन या चंकी पांडे बताने लगी हूँ। जाहिर बात है मैं अपने बच्चे के लिए इस्लामिक नाम ही सोचूंगी ना। मैंने सोचा है अखरसंद। क्या? अख अख अखरसंद अम्मी जी, अखरसंद। यारी को बच्चे का नाम है कि हकीम की दवाई का? भाई जान, अखराजा अखराजा। लो भाई, पता चल गया ये ईरान के किसी शहर का नाम है। हमारे वहां शहरों पिंडों के नाम पर बच्चों के नाम नहीं रखे जाते।
بندوں کے نام پر شہر آباد ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا تھا بابی کہ غیر اسلامی نام نہیں ہونا چاہیے, آپ نے تو غیر انسانی نام ہی بتا دیا ہے, حد ہی ہو گئی. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بھائی, یہ سلطنت عثمانیہ میں ایک بہت بڑے بادشاہ کا نام تھا, ترکی میں بہت سخی اور بہادر بادشاہ تھا. میں ایسے تھوڑی کوئی نام نکالوں گی اس بچے کے لیے. آپ لوگ بھی نا, آپ لوگوں نے تاریخ میرے خیال سے کبھی پڑھی ہی نہیں. بہاڑ میں جائے ایسی تاریخ, ارے ترکی کا بادشاہ رہے اپنی ترکی میں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یہ ایسا مشکل نام میرے حلق سے نہ نکلے, پوتے کا نام لیتے ہوئے میں پریشان ہو جاؤں, ترس جاؤں. ویسے بھی ترکی کی تاریخ پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہر وقت تو ٹی وی پہ لگا رہتا ہے. اللہ معاف کرے اتنے بد کردار بادشاہ, بارہ بارہ بیویاں, اپنے ہی بچوں اور بھائیوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں حکومت کرنے کے لیے. اخرسند ایسا نہیں تھا نا. توبہ توبہ استغفار. نا بھائی نا, اتنا جلالی نام نہیں رکھنا, نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. ہاں تو ابا جی کہہ تو رہا ہوں, اللہ کے حکم سے عبداللہ نام رکھ دیں, اللہ کا پسندیدہ نام ہے عبداللہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بڑا خوبصورت نام ہے, پر ہماری فیملی میں کم از کم 11 بچوں کا نام ہے. اب عبداللہ نام کی ٹیم بنانی ہے 12 بیچ میں ڈال کر, کوئی اور سوچو نا. لیلا تھا یہ ہوا تھا کہ وہ نام رکھنا ہے جس پہ سب کا چلو اتفاق نہ صحیح, آدھے لوگوں کا تو کوئی اتفاق ہونا, لیکن یہ جو نام تم نے رکھا ہے اخرسند بھائی, وہ جو بھی ہے وہ, یہ تو میرے بھی گلے میں پھنس گیا امی جی کی طرح. اس پہ تو ایک ووٹ بھی نہیں ملا, کوئی اور نام رکھ لو بس. نہیں مجھے تو یہی نام پسند ہے, پھر آپ لوگ سوچو. تو ابا جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عبداللہ نام نہیں رکھنا تو کوئی اور نام رکھیں, لیکن عبدل آنا چاہیے شروع میں اللہ کے حکم سے. میرا تو خیال ہے کہ یوسف نام رکھ لیتے ہیں. ہاں یوسف تو دلیپ کمار کا نام ہے. تو شرم نہیں آتی قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے, وہ دلیپ کمار سے عشق نہیں گیا. جی کیا ہو گیا آپ کو, کچھ تو یا کریں, بیٹے بھموں کے سامنے اس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. اب تم میری بات بھی سن رہے ہو, میرے ذہن میں بھی ایک نام ہے رکھنے کی, آپ بھی بتا دیں. بسم اللہ بسم اللہ. آلیان سادان, تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وعلیکم السلام. آپ سے بات کرنے آیا تھا. کیا بات ہے, سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی. کہو کون سی بات کرنی. چاچو وہ بات آپ نے جذبات میں آ کے کہی تھی, آپ آخر میں اپنی بات پہ قائم ہیں. کون سی بات؟ آپ نے کہا تھا نا اگر میں کوئی بولڈ ڈیسیجن لوں گا تو آپ میرے ساتھ ہوں گے. او تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر تو آپ میرا ساتھ دیں گے تو فیصلے پر عمل کرنے پہ آسانی ہو جائے گی, نہ دوسری صورت میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. فیصلہ تو میں نے کر لیا, شادی کرنی ہے افرا سے جلد سے جلد. میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن کرنا ضرور ہے. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں وعدہ بھی کر چکا ہوں افرا سے. لا جی, سالوں کے بعد ہمارے گھر کسی کا ایسا رزلٹ آیا. عاصم نے ٹاپ کیتا اسکول میں, کالج میں ٹاپ کیتا, یونیورسٹی میں ٹاپ کیتا, پر کسی لڑکی نے پہلی باری ٹاپ کیتا, دل خوش کر رہی ہوئے. میاں جی ٹاپنے سے کیا ہوتا ہے, پوزیشن آنی چاہیے پوزیشن, اور شائنا کی تو پوزیشن آئی ہے نا فرسٹ, ہے نا؟ ہے نا, تو اسی کو تو کہتے ہیں ٹاپ کرنا. چاچے میرے تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ پڑھتی کس وقت تھی ہے, یا تو تو سارا وقت سوتی رہتی تھی تو یا لیپ ٹاپ میں اس میں گھسی رہتی تھی. بتا نا کیا کیا تمہیں؟ داشا داش پتر مانگ کیا مانگتی ہے انعام میں, بتا نا دادا ہی کو بتا کیا چاہیے. ارے
اور انسان کی ثابت قدمی کا امتحان بھی تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے فیصلے اور وعدے دونوں کو نبھاتا ہو اور محبت کو بھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے, دیٹس فائن, لیکن اپنے ذہن کو اتنا بھی بند نہ کرو کہ تمہیں اس بات پہ سوچنے کی بھی زحمت نہ ہو کہ کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں. اس بارے میں سوچوں گا تو میرے قدم ڈگمگانے کا اندیشہ جا جاؤں. نہیں نہیں میرے دوست, اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو خوفزدہ نہ کرو کہ تمہیں کس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, بلکہ اس بات کو سوچ کے اپنی ہمت کو مضبوط کرو کہ تمہیں اس سچویشن سے نمٹنا کیسے. باقی تم افرا کے گھر والوں سے بات کرو, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں. جو میری بیٹی مانگے گی نا وہی ملے گا. بابا مجھے اپنی فرینڈس کو ٹریٹ دینی ہے مگر گھر پہ نہیں, باہر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں. ماما سے پرمیشن دلوا دیں اور پہلے والی بات جو ہے نا یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. تیری امی پرمیشن کے معاملے بڑی کنجوس ہے. صدان کدھر گیا ہے؟ آسم کے دفتر گیا تھا ملنے کے لیے. اچھا اس سے کیا کام پڑ گیا اس کو؟ پتا نہیں کو ہوگا کام. وہ نا اصل میں دینے جانی ہے نا مٹھائی نیلا کے گھر, اس کے امتحان کا رزلٹ آیا اس کی خوشی میں. تب صدان تو ہے نہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں چلتے ہیں. خدا دا خوف کر یار, علاؤالدین ہوگا گھر میں. سمجھا کرے نا, کسی اور کے ہاتھ مٹھائی اور خوشخبری نیلا کو بھیجنے میں وہ مزہ تو نہیں نا آنا جو خود دینے میں اور پھر اس کی شکل دیکھنے میں. کیسے میری شہینا کو نلائک نلائک بولتی رہتی ہے. ہاں کہہ دیں کہہ دیں, بڑی کمینوں والی بات کی ہے نا میں نے. تمہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ کہنے کی کیا ضرورت. ماما ایک کام کرے نا, جب میرا ایک بار یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے تو ایک ساتھ ہی شو مارے گا. کون سی یونیورسٹی ہے؟ بس اچھا بھلا کالج ہے تو یہیں سے کر بھی ہے. حاجرہ بیگم بات یہ ہے کہ شائنہ جو پڑھنا چاہ رہی ہے نا وہ اس کالج میں نہیں ہے, اس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن جو ہے نا وہ. ایک منٹ, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بھی کرنا چاہ رہی ہے اس میں وقت کتنا لگنا ہے؟ یہ کوئی چار پانچ سال. چار پانچ سال؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ پڑھتے پڑھتے تو نے بڈھے ہو جانا ہے, تو رشتے پھر کب آنے ہیں؟ بس آرام سے اسی کالج سے کر, دو سال میں بی اے, پھر میں تجھے توڑنے کی کروں. ماما میرے بیٹا تمہارا خلوص اور ہمدردی کا شکریہ, لیکن ہمدردی نہیں ہے آنٹی, میں پورے دل سے افرا کو اپنانا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹی دنیا کی نظروں میں بھی اتنی معتبر رہے جتنی کہ ہماری نظر میں ہے. لیکن بیٹا تم جو کرنا چاہ رہے ہو نا, اس سے تو مجھے مزید دنیا کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. آنٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی چور راستہ تو نہیں اختیار کر رہا, پوری عزت سے اس گھر سے افرا کو رخصت کرا کے لے کے جاؤں گا. میرے چچا بھی ساتھ آئیں گے, بلکہ وہ کل ہی آ کے آپ سے باقاعدہ رشتہ طلب کریں گے. چچا بھی تو باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. لیکن ماں باپ کے ہوتے ہوئے چاچا, امی ابو بھی مان جائیں گے لیکن ان کو قائل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. اور میں, بلکہ آپ بھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ویٹ کریں. اللہ کا نام لے کے آنٹی جو کرنا ہے کر لیتے ہیں, آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا, لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. جی کہیے آنٹی. ٹھیک ہے, میں صرف تمہارے چاچا نہیں تمہارے والد بھی آئیں گے.
हमें भी अपनी बेटी को दुनिया वालों के सामने सर उठाकर रुखसत करना है। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि फिल वक्त तुम्हें अपनी माँ को मनाना मुश्किल है, लेकिन मेरी दूसरी शर्त भी यही है कि तुम्हारी माँ माने या ना माने, कितनी नाराज क्यों ना हो, रुखसती के बाद मेरी बेटी को अपने घर ही लेकर जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम ये निकाह छुप कर करो या मेरी बेटी को छुपा कर रखो किसी गलती की तरह। अगर आप कुछ दिन की मोहलत दे दें तो मैं सारी सिचुएशन हैंडल करके आपको। देखो बेटा, गलती को जितना छुपाते जाओ ना, हालात बिगड़ते ही चले जाते हैं। ये साजगार तब होते हैं जब तुम अपने बुजुर्गों से माफी मांग के उनका दिल साफ कर लो। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि वो सबर के साथ गुजारा कर लेगी, और मुझे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है कि वो अपनी मोहब्बत और अपने खुलूस से सबका दिल जीत लेगी। अगर तुम मेरी ये बात मानते हो तो मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हूं। ठीक है, मंजूर है मुझे, बताइए कब आना है। ये ले शाइना, तेरे पास होने की बल्कि तेरे टापने की खुशी में, ये तुझे पसंद थे ना। लेकिन दादू ये आप पे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मगर अब ये हो गए तेरे, पहन के दिखा शाबाश। और ये ले पुत्र, एक दो तीन चार पांच, ले पुत्र ये पांच दाद है इसके, तू अपनी पसंद जो दिल करे ले लेना। अपनी पसंद जो दिल चाहे। जो दिल चाहे। मियां जी, अगर आज दिल बड़ा करके नोटों को हवा लगाई थी तो सिर्फ 5,000 थोड़े से और ही दे देते। अब पता नहीं बच्ची के दिल में क्या हो, क्या लेना चाहती हो, क्या ना लेना चाहती हो। मेरी जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, शायद मुझे कभी ना मिले। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादा। वैसे मियाँ जी, मैंने जो बुंदे दिए ना, कुछ नहीं 1.5 तोले के हैं। सोने की कीमत आपको पता है, और आपने क्या दिया, ये 5,000 हद होती है ना। ये चाचू, चाचू। हाँ भाई। कहाँ थे आप? मैं धुआं देख के लगा आप हमेशा की तरह यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे होंगे। ये आग हाजरा भाभी ने लगवाई थी मच्छरों को भगाने के लिए। किसी को भी भगाने के लिए आग लगा सकती हैं। तुमने अफरा से बात कर ली है? वेरी गुड, आई थिंक परसों का दिन सही रहेगा निकाह के लिए, क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन वो कह रही थी कि सिर्फ अपने चाचू के साथ मत आना, आप चाहती हैं कि। हाँ तुम फिक्र मत करो, मेरे एक दो दोस्त होंगे गवाह के तौर पे, और तुम भी अपने किसी ऐसे दोस्त को कह देना जो आखिरी वक्त पे भांडा ना फोड़े। ओके, समझ नहीं रहे, वो घर के किसी बंदे को साथ लाने का कह रही थी जैसे कि। हाँ तो जायद है ना यार। जायद चाचू? हाँ, और वो निकाह भी पढ़ा देगा, मान जाएंगे। कैसे नहीं मानेगा वो, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे लगता है वो सबको बता देंगे चाचू। तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जायद अपने पेट में बड़ी बड़ी बातें छुपा के रख सकता है। आप कहाँ की तैयारी है, फिर कहीं जा रहे हो?
दो दिन से मैं घर पर हूँ, फिर भी तुम्हें चुभ रहा हूँ मैं। इस बार कितने दिनों के लिए जा रहे हो? ओ कहीं नहीं जा रहा भाई, सुबह सवेरे मुझे जल्दी घर से निकलना है, इसलिए देख रहा था तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे भी हैं या नहीं। हैरत की बात है। इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने पहले कभी कोई काम नहीं किया, इत्तेफाक से दो दिन मैं घर पे बैठा हूँ तो तुम ताने मारने लगी हो। हैरत तुम्हारे काम पर जाने से नहीं हो रही, हैरत इस बात पर हो रही है कि बड़ा अरसा हो गया, हफ्ते भर के लिए गायब नहीं हुए तुम। क्या बात है, हो गया शौक पूरा? ओ शौक नहीं है जाहिल औरत, मिशन है। कुल छर्रे उड़ाने नहीं जाता हूं मैं, अल्लाह की राह में जाता हूं, और अल्लाह ने ही हुक्म दिया है बाकी फराइज अदा करने के लिए भी। अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, शायद अगले महीने भी ना जा पाऊं। ना ये कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो रातों रात दुगनी हो गई हैं? वही घर है, वही मैं हूं, वही बच्चे। हाँ हो गई हैं, अचानक से सब कुछ दुगना हो गया है, डबल।